तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी इंडियन एयरफोर्स के हमारे अग्निवीर हैं। फाइनली आपका फॉर्म जो है वो आ चुका है। आज 24 जून की डेट वाकई में यादगार है और देश के लाखों एंड लाख एयरफोर्स लवर जो हमारे बच्चे हैं इंडियन एयरफोर्स के, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट तेजी के साथ जाइए और फॉर्म को बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से अप्लाई करना है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेल इंडियन एंड नेपालीज बोथ कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द अग्निवीर वायु इन टैक 1/2022 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गेट रेडी, बिल्कुल पूरे फोर्स और पूरे जज्बे के साथ तैयार हो जाइए आप लोग फॉर्म भी अप्लाई करने में और तैयारी के लिए भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट ऑब्वियसली आज 24 जून से चलना शुरू हुई है, 5 जुलाई तक का टाइम है, बट नेक्स्ट डेट की कोई बात ही नहीं। हमें लगता है कि आज 24 जून की ही यादगार डेट है भाई, और फटाफट जाके मैक्स टू मैक्स आज से कल भर में इसको अप्लाई करके क्लोज करिए। कहीं से कहीं तक कोई देरी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल डिले नहीं करेंगे आप। और साथ ही साथ एग्जाम डेट की भी एक बेसिक घोषणा आ चुकी है कि ऑनलाइन एग्जाम डेट जो होगा वो 24 जुलाई के ऑनवर्ड्स आपके होंगे। दैट मीन उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर डेट्स मिल जाएगी जिन डेट्स पर आपके एग्जाम इशू होंगे। ऑब्वियसली इस पूरी प्रक्रिया के लिए 15 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड्स भी जो है इशू कर दिए जाएंगे ऑनलाइन, जिस प्रक्रिया में आप जाकर के अपने पहले फेज मतलब रिटन टेस्ट से होकर गुजरेंगे। आज बहुत सारी वीडियो खास भी होने वाली है और बिल्कुल गंभीरता के साथ आप जुड़ेंगे मेरे साथ, क्योंकि फेज वन के लिए क्या क्या अहम चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ फेज टू के लिए हमें उनमें से किन किन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है, क्या क्या संभाल के रखना है, इस बात को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और फाइनली फेज थ्री के भी कॉन्सेप्ट को हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मेजर कल्सी क्लासेस देने चल रहा है देश के लाखों लाख जो है अग्निवीर्स को, जिसमें हम आपको पूरी तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने चल रहे हैं जो कि आपको MKC YouTube चैनल पे मिलेगा। तो गेट रेडी फॉर दैट, उसके लिए भी ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाइए। और बिल्कुल वो गिफ्ट पूरे देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मैं स्वयं ला रहा हूँ MKC की तरफ से आप सबके लिए, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत लाभदायक होगा और आपको मदद करेगा आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतर करने के लिए और निश्चित सफलता पाने के लिए। आज जैसे कॉन्सेप्ट उठ रहा है तो कई सारे स्टेज पर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हैं कि सर फेज़ वन क्या होगा, क्या फेज़ टू में किसी तरह के चेंज आए हैं, फेज़ थ्री के हमारे सेंटर्स क्या होंगे, सर आखिर हमारा फेज़ थ्री दैट मीन मेडिकल हमारा होगा कहाँ। इन सारे पहलुओं को गंभीरता से हम समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे आज, और साथ ही साथ एक बेहतर तैयारी का भी सुझाव मैं आपको दूंगा कि आखिर कैसे MKC के हर प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अप टू द मार्क कर सकते हैं। देश में कहते हैं तैयारी वो परफेक्ट होती है जो आपको हर स्टेज पर परफेक्ट बनाए, और देश का इकलौता संस्थान है मेजर कल्सी क्लासेस जो आपको हर स्टेज पर बेहतर बनाता है। वो आपको रिटन एग्जामिनेशन में बेहतर बनाता है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ, बेस्ट डाउट काउंटर फैसिलिटी के साथ और बेस्ट मटेरियल्स के साथ। कहते हैं किसी जंग को जीतने के लिए एक बेहतर औजार की ज़रूरत होती है और किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बेहतर क्वेश्चनायर, बेहतर बुक्स और बेहतर मटेरियल की ज़रूरत होती है जो आपको देगा MKC पब्लिकेशन, देश का इकलौता पब्लिकेशन जो कि पूरा प्लान तरीके से बुक बनाई गई हैं आपके पर्पज और आपके प्रॉफिट्स के लिए। साथ ही साथ फेज टू दैट मीन आपका फिजिकल टेस्ट और साथ ही साथ आपके GD और SRT दैट मीन स्टेज वन और स्टेज टू कैटेगरी में जब आप इसको देखते हैं तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन एंड टेस्ट टू, टेस्ट वन SRT, टेस्ट टू आपका GD, PFT भी परफेक्ट तरीके से, एक बेहतर ट्रेनिंग फिजिकल की, एक बेहतर ट्रेनिंग SRT की, एक बेहतर ट्रेनिंग आपकी GD की, एक परफेक्ट फेज टू का गाइडेंस अगर देश में कहीं है तो फिर से मेजर कल्सी क्लासेस में है। और फेज थ्री के लिए तो हम इकलौते हैं पूरे भारत में, क्योंकि मेडिकल भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है एयरफोर्स जैसे एंट्री में, तो इसके बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि देश का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो आपको देता है आपके मेडिकल से पहले प्री मेडिकल की फैसिलिटी, जहां पर पूरा हॉस्पिटल का सेटअप आपके पूरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, जहां आई एक्सपर्ट्स अलग हैं, ENT एक्सपर्ट्स अलग हैं, डेंटल एक्सपर्ट्स अलग हैं, मसल्स के एक्सपर्ट्स अलग हैं, फिजिशियंस अलग हैं, EEG ECG डिपार्टमेंट अलग है, LFT और KFT जैसा अहम टेस्ट जो कि केवल इंडियन एयरफोर्स में होता है, लीवर फंक्शनल टेस्ट और किडनी फंक्शनल टेस्ट, उसकी प्रॉपर पैथोलॉजिकल जांच, पूरा पैथोलॉजिकल टेस्ट, हर चीज़ अगर देश में कहीं अवेलेबल है तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है, वो आपका MKC मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तैयारी भी ऐसी करनी है जो आपको फाइनली बेलगाम पहुँचाए, और बेलगामा पहुँचने की अगर फाइनली बात की जाती है तो उस रास्ते की शुरुआत एक ही एकेडमी से होती है, एंड दैट्स योर मेजर कल्सी एकेडमी। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं, इस एकेडमी में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस जबरदस्त लॉन्च हैं और ऑफलाइन भी हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी, जहां आप कंफर्टेबल हो, चीपेस्ट कॉस्ट में बेस्ट कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है, बस
कोशिश यही है कि देश का हर इंडियन एयरफोर्स लवर इस बार अग्निवीर वायु बनेगा और एमकेसी उसको बनाएगा। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और आज जानते हैं कुछ बेसिक डिटेल। सबसे पहले बात वेबसाइट की हम बात करते हैं, अग्निवीर वायु .cdac.in आपकी ये वेबसाइट है जिस पे इस पूरी प्रक्रिया को लागू किया गया है। न्यू कैंडिडेट हुआ नॉट रजिस्टर्ड फॉर इनटेक 1/2022 आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन न्यू यूजर रजिस्टर लिंक एंड फिल द साइन अप डिटेल। भाई जो नए यूजर आए हैं उनको ध्यान रखना होगा कि जा करके लॉग इन करें और खुद को न्यू रजिस्टर के तौर पे जाके डिटेल सबमिट करके खुद को वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लें। OTP वगैरह आएगा, मेल पे भी आएगा और SMS द्वारा भी आएगा, तो प्लीज़ उसको एंटर करके खुद को आप रजिस्टर कर लीजिए। फिर रजिस्टर करने के बाद जो है साइन इन आप हो जाएंगे, फिर फर्दर जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको तेजी के साथ जो है आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करके वहाँ पर ले जाएगा और आप एप्लीकेशन के प्रोसेस को करना वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आफ्टर सेटिंग हिज ओन पर्सनल पासवर्ड ही विल बी रिडायरेक्ट टू साइन इन पेज वेयर ही शुड लॉग इन विद द रजिस्टर्ड email ID एंड न्यू पासवर्ड एज डिसाइडेड बाई द कैंडिडेट। ध्यान रखना, एक बार तो आपको OTP बेस्ड पासवर्ड वहां पे मिला, आपको दोबारा मौका मिलेगा खुद का पासवर्ड चुनने का, तो प्लीज वो पासवर्ड चुने और उसे email ID से फिर आप साइन इन करेंगे तो लाजमी सी बात है आप फर्दर प्रोसेस की ओर बढ़ जाएंगे। दैट मीन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रोसेस करने के लिए आप बढ़ जाएंगे। दिस सिलेक्शन टेस्ट इज ओनली फॉर द एलिजिबल मेल कैंडिडेट, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए स्टार्टिंग में भी मैंने बताया अभी बता रहे हैं, नॉट फीमेल, अभी के लिए तो फीमेल नहीं है, बट जल्द ही ये खुशखबरी भी मिलेगी देश को कि मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है। इंडियन नेशनैलिटी के लोग तो जा ही रहे हैं, साथ साथ नेपाली नेशनैलिटी के भी लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट अग्निवीर वायु इन एयरफोर्स कंसिस्ट थ्री फेज, आप जो कि टोटल 3 फेज में चलेगा, पहले से भी आपको पता है, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए बच्चा। ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा प्रॉपर तरीके से, रिटर्न टेस्ट जो भी सेंटर अलॉट होंगे, एडमिट कार्ड आएगा उस सेंटर पर आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रक्रिया में जाना होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ये भी क्रमशः आपका ASC सेंटर पे होगा, दैट मीन जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हमारे हैं वहाँ पर आपकी फेज 2 की प्रक्रिया डन की जाएगी, जिसमें आपके PFT रहेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दैट मीन आपका पुशअप्स स्क्वाट सिटअप्स रहेगा और साथ ही साथ बेटा आपका SRT का टेस्ट और GD का टेस्ट रहेगा जो प्रॉपर तरीके से होगा। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसको भी लेके थोड़ा सा भ्रम फैलाया गया, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो फेज 1 रिटर्न होगा और फेज 2 में आपका GD SRT और PFT प्रॉपर तरीके से होगा। फेज 3 आपका मेडिकल का है एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो कि मेडिकल सेंटर पे होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं, अराउंड 12 सेंटर हैं इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल के, उनका भी जिक्र मैं कर दूंगा जिन सेंटर्स पे मोटा मोटा आपको जाएंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ, कमांड हॉस्पिटल है जो कि बैंगलोर कर्नाटका में, वहाँ भी मिलता है। 3rd एयरफोर्स हॉस्पिटल आपकी जो है बिटुल मध्य प्रदेश में, वहाँ भी मिलता है। 4th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपके खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी मिल सकता है। 5th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपकी जोरहट AFS जोरहट असम में, वहाँ भी मिल सकता है। 6th एयरफोर्स हॉस्पिटल कोयम्बटूर तमिलनाडु में, वहाँ भी मिल सकता है। 7th एयरफोर्स हॉस्पिटल कानपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी मिल सकता है। 9th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपके लुधियाना पंजाब में है। 10th एयरफोर्स आपका वेस्ट बंगाल में है। 11th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी मिल सकता है। और 12th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपके जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी मिल सकता है। 14th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपके जो है हैदराबाद तेलंगाना में है, डुंडीगल में, तो वहाँ भी मिल सकता है। और 15th एयरफोर्स हॉस्पिटल आपका जैसलमेर मतलब राजस्थान में, वहाँ भी मिल सकता है। तो ये बेसिकली मेडिकल सेंटर है जहाँ क्रमशः आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा। जब आप अपने फेज 1 और फेज 2 की प्रक्रिया डन कर लेंगे तो फिर आप मेडिकल प्रोसीजर के लिए बढ़ेंगे। और मेडिकल में भी बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा देश का इकलौता मेडिकल सेंटर मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर है। वीडियो में थोड़ा धैर्य से बने रहिएगा, मैं कंप्लीट डिटेलिंग देने जा रहा हूँ, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे आपसे क्रमशः कोई मिस्टेक ना होने पाए और आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। ऑल सक्सेसफुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल इशूड विद एन एडमिट कार्ड फॉर द फेज 1 ऑन देयर रिस्पेक्टिव email IDs। जैसे ही आप प्रॉपर ढंग से भैया रजिस्टर्ड कर लेंगे, दैट मीन ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे, तो एक प्रॉपर एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा आपकी email ID पर, ठीक है। द एडमिट कार्ड कैन ऑल्सो भी डाउनलोड फ्रॉम द कैंडिडेट लॉगिन। अगर email ID नहीं खोल पा रहे हो तो लॉगिन भी करके आप जाकर के वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर द फेज 2 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। तो फेज 2 के लिए वही बुलाए जाएंगे भैया जिनका फेज 1 में क्वालिफाई होंगे, दैट मीन इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। बच्चे कट ऑफ अन्य क्राइटेरिया को लेकर भी बड़े डाउट में चल रहे, यार कुछ सोचना ही नहीं मेरे भाई, इस बार तुमको किसी भी कीमत पे 80% का लक्ष्य बना के चलना है। एक्स में भी 80% से स्कोर मारेंगे, वाई में भी मारेंगे, और जब दोनों में 80% है तो कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता है, तुम इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाई करके रहोगे। विल बी सबको अपलोडेड अग्निपथ वायु डॉट
cdse.in पे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड न्यू एडमिट कार्ड देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फेस टू टेस्टिंग एट एन एएससी सेंटर, किसी न किसी एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पे होगा। आइए अब शुरू करते हैं कि आखिर फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना। वैसे भी जान लो कि फेज वन में दो चीज़ें अहम होती हैं जो आपको फेज टू के लिए क्वेरी, बाकी तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो जो फेज वन में होंगे वो फेज टू में, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे जितनी चीज़ें अपलोड कर रहे होंगे वो आपको फेज टू में लेके जानी है। लेकिन दो चीज़ें हमेशा ख्याल रखना, फिर मिस मत करना। एक, फॉर्म जब आप अप्लाई करके सबमिट कर लेते हैं तो उसकी एक प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, वो भी लेके जाना है फेज टू में, और एडमिट कार्ड का भी आपको जो है ओरिजिनल लेके जाना है फेज टू में। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ें आपको संभाल के रखनी है, एक फोटो स्टेट भी करा लेना ओरिजिनल भी रख लेना, मतलब ये मिस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में, क्योंकि फेज टू में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इवन फेज थ्री तक भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को मिस ना करें। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों की मिसिंग हुई थी, इसलिए मैं आपको पहले ही पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। कैंडिडेट टू कैरी ओनली कलर प्रिंट आउट ऑफ देयर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद देयर आधार कार्ड। तो हमेशा कहा जाता है कलर प्रिंट आउट, अच्छी साइज में क्रिंच मत करो, अच्छे पेपर पे लेजर प्रिंटर पे बढ़िया एडमिट कार्ड निकालिए और उसको लेके कैरी करना, और आधार कार्ड ले लीजिएगा। कुछ लोग होंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय से हैं, जिनको अभी तक जो है ऑप्ट नहीं किया गया है तो उनको आधार कार्ड बना ही नहीं है, तो इन दैट केस वो वोटर आईडी कार्ड भी लेके आ सकते हैं। एडमिट कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ वहां पर होना चाहिए। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस फॉर द अपीयरिंग इन फेज टू टेस्ट। ध्यान रखना जब आप फेज टू प्रक्रिया में जाते हो भैया तो सब कुछ ओरिजिनल भी लेके जाना होता है, और कम से कम 5-5, 6-6 कॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करके, फोटो स्टेट भी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाते हैं, ये जरूरी होता है। इसे 10-10 कॉपी फिक्स रूप से करा लीजिए और प्रॉपर एक बच्चा फाइल बनाइए आप, जिसमें ये सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से आपको सजाना है, क्रम होना चाहिए कि देखिए ये मेरा जो है फॉर्म जब मैंने सबमिट किया तो उसकी कॉपी है, ये जो फेज वन का मेरा एडमिट कार्ड है उसका कॉपी है, फिर जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी, सब क्रम से लगाते चले जाओ, और कम से कम 1-2 फाइल अपना हमेशा बना के ओके रखो। एक फाइल आपके प्रॉपर होनी चाहिए, एक फाइल आप ओरिजिनल का बनाएंगे बच्चा, और एक फाइल आप उन्हीं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो है डुप्लीकेट का बना के रखेंगे। तो हमेशा 2 फाइल आपको रखना चाहिए। और थोड़ा सा यार टेक्निकल है तो मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर में भी एक फोल्डर बना करके बेटा इन कॉपीज को बकायदे आप स्कैन करके सेव करके ओरिजिनल भी रखें और फोटो स्टेट तो रखें ही रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। द रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन विल बी प्रिंटेड ऑन द फेज टू एडमिट कार्ड। कैंडिडेट टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू रिपोर्ट विद द कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड फेज वन एडमिट कार्ड एंड एसी पर द डेट ऑफ टाइम रिटन ओवर इट। तो ध्यान रखिए जब आप फेज टू में पहुंचे तो सिंपल कहा जाता है कि आप जो फॉर्म भरे हैं फेज वन का उसका भी कॉपी आपका होना चाहिए प्रिंट आउट, एक एडमिट कार्ड भी हो गया आपका, और साथ ही साथ जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और फोटो स्टेट उनके लेके आपको वहाँ पे जाना है। आइए, कैन यू मस्ट कीप द स्कैन कॉपी इमेज ऑफ द फॉलोइंग बिफोर हैंड इन रेडी टू अपलोड द स्टेट बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने आप बैठें तो कुछ चीज़ें आपको पहले से ही अपलोड करके रखनी है, क्योंकि उनको आपको वहाँ फाइल जा करके अपलोड करना पड़ेगा, तो आपका सेफ फोल्डर वहाँ होना चाहिए। दैट मीन एक पेन ड्राइव में रख लें या कैसे भी डॉक्यूमेंट्स में, वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। खुद से भी कर रहे हैं या आप किसी साइबर कैफे से भी जाके करा रहे हैं। ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पे HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ये सब तो जो है बॉलपॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग, ये सब आप इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख सकते हैं। 10 कॉपी आप अनअटेस्टेड रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेंगी। ध्यान रखिएगा अनअटेस्टेड रिसेंट मतलब रिसेंट की फोटो 10 आपको लेके रखना है, 10 क्या 20-25 खिंचा लीजिए, बाद में भी जरूरत पड़ेगी। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप मेट्रिकुलेशन जो है पासिंग सर्टिफिकेट, दैट मीन हाई स्कूल का जो है बच्चा आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखना है। क्यों सर? इसलिए बच्चा क्योंकि आपका फादर नेम वेरिफिकेशन, आपका नाम वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके मैट्रिकुलेशन मतलब 10th के सर्टिफिकेट से ही होता है, तो उसका भी प्लीज जो है ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों रखिए अपने पास। ओरिजिनल भी रखिए, डुप्लीकेट फोटो स्टेट करके आप उसको अटेस्ट करके रख सकते हैं। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप मैट्रिकुलेशन मार्कशीट फॉर 3-year डिप्लोमा होल्डर्स व्हेन द इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन द डिप्लोमा कोर्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं, 10th के बाद चले गए 3-year डिप्लोमा में, तो आपको भैया भी हाई स्कूल वाला सब कुछ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वही जस्टिफाई करेगा कि आपने डिप्लोमा किया है बट आपने हाई स्कूल किया हुआ है, तो वहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। वही जो और कॉपी के रूप में 10+2 मतलब जो 10+2 के क्वालिफिकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं 10+2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी रख लेना और उसको फोटो स्टेट करके बच्चा सेल्फ अटेस्टेड भी आपको रखना है भैया, ठीक है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप 3-year डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। 3-year डिप्लोमा जितने सेमेस्टर हैं उस सेमेस्टर वाइज आपका जो है सर्टिफिकेट, फोटो स्टेट, ओरिजिनल सब, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब लेके जाना है, जितने डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दे लें। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप 2-year वोकेशनल कोर्सेज, बहुत सारे बच्चे किए हैं
हैं, तो वो वोकेशनल कोर्सेज वाले भी इसमें जा सकते हैं। और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट आप इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अप्लीकेबल, तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स वोकेशनल कोर्सेज वालों का है वो भी अपना सब कुछ लेके वहाँ पर जाएंगे। ओरिजिनल फोर सेल्फ अटैच फोटोकॉपी और ड्यूली फिल्ड सन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल, अगर एयरफोर्स पर्सनल के आप सन हैं सर्विंग के जो है, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको अटेस्टेड लेके जानी होंगी, जैसे कि फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द CSB FNET वेबसाइट, AFNET की वेबसाइट पे एक फॉर्मेट अवेलेबल है जो सन आप हमारे एयरफोर्स सर्विंग पीपल हैं, और उस फॉर्मेट को आपको बकायदे भर करके और उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसको लेके जाना है। फोटोकॉपी आप डिस्चार्ज बुक, सर्विस सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द FRO एंड DAB फ्रॉम द सन ऑफ रिटायर्ड या डिजीज या डिस्चार्ज एयरफोर्स पर्सनल, मतलब रिटायर हुए हों, डिस्चार्ज हुए हों, या जो है आपको डिजीज किया गया हो, इन दैट केस आप जो है अपना डिस्चार्ज बुक और सर्विस सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है डिपार्टमेंट, मतलब FRO द्वारा और भैया जो है DAB द्वारा, उनको आपको बकायदे वहाँ लेके जाना है। कैंडिडेट डाउनलोड टेक कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, द सेम विल बी कैरी आउट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ टेस्ट, कलर एडमिट कार्ड तो रहेगा ही और आधार कार्ड, इसको लेके जाएंगे टेस्ट सेंटर पे आप। कैंडिडेट डिस्चार्ज फॉर्म द इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ओरिजिनल फोर्स सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ध्यान रखिएगा अगर इंडियन नेवी आर्मी एयरफोर्स कहीं काम किए हों तो वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया गया है उसका आप जो है 4 copies विथ ओरिजिनल लेके जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं उनको NOC सर्टिफिकेट वहां लेके जाना होगा। ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ NCC ABC सर्टिफिकेट, तो ध्यान रखना ABC सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा है, इसको भी, क्योंकि ये सब चीजें जब आप प्रोसेस कर रहे होंगे फॉर्म भरने का तो ये सब चीजें रिक्वायर्ड होंगी जिनको आप अपलोड करेंगे, बट इनको साथ ही साथ कैरी करना है क्योंकि फेज टू में आपको इन्हीं चीजों को लेके जाना होता है। तो ये रही फेज वन, जब फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, बट जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म भरते समय जरूरत हो रही है वही डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपको फेज टू में जब आप जाएंगे तभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमेशा 2 files बनाने के लिए कहते हैं, एक ओरिजिनल का पूरा बनाइए और एक फोटो स्टेट का। डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट बाई द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फेज टू ऑफ अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट इनटेक 1/2022, सेम चीज़ है, वही कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड जो है फेज टू का तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ फेज वन का भी एडमिट कार्ड चाहिए, ये जरूरी है, और जो फॉर्म भरते समय फॉर्म आपने फिल किया उसका भी एक कॉपी चाहिए होगा। ड्यूली फिल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट, अगर आपका जो है टैटू है तो उसका भी एक सर्टिफिकेशन होता है वो लेना है। उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट विद परमानेंट बॉडी टैटू मस्ट ब्रिंग 2 photographs ऑफ ईच, मतलब जो भी टैटू है उसका कम से कम 2 photographs होगा, एक आपका क्लोजअप पे होगा, एक डिस्टेंस व्यू, मतलब एक बहुत क्लोज व्यू पे रहेगा और एक थोड़ा सा डिस्टेंस व्यू पे रहेगा जो आपको वहां लेके जाना होगा। साथ ही साथ ड्यूली साइन कंसेंट फॉर्म द PFT मेडिकल टेस्ट बाय द कैंडिडेट इफ द 18 years एंड अबव एज, अगर आप जो है 18 years से बिलो हैं तब तो जो है गार्जियन की सिग्नेचर जरूरी होगी, 18 years से अबव हैं तो आप कंसेंट फॉर्म फिल करके वहां पे ले जा सकते हो, वैसे भी गार्जियन से साइन करा के हमेशा जाएं, अगर टू बी साइन बाय द गार्जियन इफ 18 से बिलो हैं और 18 से अबव हैं तो खुद ही कंसेंट फॉर्म को फिल करके आपको लेके जाना होगा। कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म द डाउनलोड ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये भी ध्यान रखना है कि मैंने शुरू से ही पॉइंट आउट किया कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे तो वहां से डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट आप जो है ले लीजिएगा ध्यान करके। एंड द एप्लीकेशन मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस एज अ सक्सेसफुल इन रिलेवेंट कॉलम एंड मस्ट बी द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एज द प्रिंटेड ऑन दिस एडमिट कार्ड, तो ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में सेम ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दूसरा एक का डाउनलोड करके आप लेके चले गए, अपना ही ले जाना है। बाकी 10 copies आप अनअटेस्टेड रिसेंट फोटोग्राफ जो मैंने बताया था 20 खिंचाइएगा, आप रखे रहिएगा वहाँ जरूरत है, फिर उसके बाद उसको लेके भी जाना है। साथ ही साथ जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब मैट्रिकुलेशन हुआ इंटर का हुआ कुछ भी इस तरह का है लेके जाएं, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड जो है आप जितना भी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है 10+2 का है वो सब भी लेके जाएंगे, तो डिप्लोमा वाले हों 10+2 वाले हों या 10th standard का सारा डॉक्यूमेंट्स आप बकायदे तैयार कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, वो लेके जाना है पूरा का पूरा कैटेगरी में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि सारी चीज़ जो है प्रोसेस के हिसाब से ही होगी और NOC सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से वहाँ से लेकर के आपको जाना होगा। मस्ट ब्रिंग द कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक आपका हो चुका है, तो उसमें कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं लगवाएं तो अभी भी जाकर लगवाइए और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप अपना ले लीजिए। कैंडिडेट हैव एनी एडिशनल स्किल्स, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज में स्किल्स आपके पास, बच्चे अक्सर पूछते हैं अगर मेंटेनेंस हॉस्पिटैलिटी लॉजिस्टिक अकाउंटिंग स्पोर्ट्स या जो है टेक्नोलॉजी में या मोटर व्हीकल में कोई स्पेशलाइजेशन आपके हैं तो आप वो सर्टिफिकेशन भी लेके जा सकते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फेज टू में मदद करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को पॉजिटिव और मोर सपोर्टिव बना देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद PSLE लोग जनरेट कर देंगे 1 December को जिसको आप बोलते हैं प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, फिर उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट जो होगी वो 11 December को जनरेट की जाएगी और आपको
ये सब पता ही है कि 30 दिसंबर को आपको फाइनली बेलगाम कर्नाटका में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं और मैंने बड़े ही क्लियर कट तरीके से बताने की कोशिश की है। डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट आपके दिमाग में चेकलिस्ट क्लियर हो गई और एक चेकलिस्ट की लिस्ट भी यहाँ आ रही होगी जिसमें पॉइंट वाइज आप देख लीजिए और एक बाकायदे रजिस्टर बनाइए नोट्स के बाद कि क्या क्या चीज़ें हैं सर जिसको ध्यान रखना, आज इसको सुनना मत, इसको प्रॉपर ढंग से एक रजिस्टर लेके बैठिए, उसमें सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें बताई गई उनको प्रॉपरली आप ख्याल करके चलेंगे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। एंड बीइंग अ मेजर कल से क्लासेस हमने घोषणा की है कि जल्दी आपके लिए आ रहे हैं कल एक बेहतर वीडियो लेकर के, जहाँ एक ज़बरदस्त गिफ्ट है पूरे देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए और ये रियल वाला गिफ्ट है। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया से आप सबको गुजरना होगा अगर वाकई में आप अग्निवीर वायु बनना चाहते हैं, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जो आपको वहाँ पर सफल करा सकती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, बट मुझे लगता है ये चीज़ें हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं और वो केवल आपको देगा एमकेसी परिवार। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल अब बैठे ना, इंतजार ना करें बेटा, ऑनलाइन भी ज़बरदस्त एमकेसी लर्निंग ऐप पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पर, और ऑफलाइन वर्जन में भी ज़बरदस्त अग्निवीर बैचेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जिनका हिस्सा बन करके रियल प्रिपरेशन करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और केवल सफलता इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगले भी फॉर्म शेड्यूल्ड है जो कि जैन मंथ में आने हैं, तो लाजमी सी बात है उसके लिए भी प्रिपरेशन आपको अभी से लगना होगा। तो 6 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान, किसी भी प्लान का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, 45 डेज प्लान, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। एमकेसी पब्लिकेशन भी आपको मदद करेगा बेहतर बुक दे पाने का, तो एमकेसी पब्लिकेशन से जाके आप बेहतर हमारी बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे भी अपनी स्टडीज़ को बेहतर बना सकते हैं उन क्वेश्चंस को अप्रोच करके जो आपके एग्जाम में वाकई में पूछा जाने वाला है। और इतनी बड़ी टीम, अगर 400 लोगों का परिवार एमकेसी परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, ये आपका परिवार है, तो इसलिए इतना बड़ा परिवार है देश का एमकेसी परिवार की, बहुत बड़ी R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टीम है तो पूरी टीम लग के मेहनत करती है, चीज़ों को बेहतर बनाती है और वो सोचती है, क्योंकि 400 लोग इसीलिए बैठाए गए कि वो R&D करके आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल दें। फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठाइए अपना फोन और कॉल करिए 9696330033 पर या हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.magicalseaclasses.com। अग्निपथ बैच पर क्लिक करके आप किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत पे हम ओपन हैं। और हमने कहा ना कि हम आपके एक स्टेज की तैयारी नहीं कराएंगे, हम फाइनली आपको बेलगाम कर्नाटका लेके जाएंगे और वो देश में डेडिकेटली और प्लान तरीके से हम ही ले जा सकते हैं, क्योंकि हम फेज 1 में भी परफेक्ट हैं, फेज 2 में भी परफेक्ट हैं और फेज 3 में भी परफेक्ट हैं, और तीनों स्टेज में केवल एमकेसी परफेक्ट है। और मुझे लगता है कि आप सब भी परफेक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि दो परफेक्ट लोग जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो हम परफेक्ट जगह पहुंचेंगे, हम परफेक्ट जगह पहुंचेंगे और परफेक्ट जगह है आपकी बेलगाम कर्नाटका और आपको पहुंचाएगा आपका एमकेसी परिवार। तो विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी, अपनी एक रियल जोरदार सच्ची तैयारी के लिए जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगी रियल टेस्टिंग के माध्यम से। तो जय हिंद, जय भारत।